वेलकम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। तो ले जन्ना, चूड़ी हमारी तैयार है, देखेंगे तनकीद करेंगे। हैं? चलो भाई, चलो से आप चलिए और अंदर चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे दांत भी दिखा दें जो बन के आए हैं। अच्छा, ये भी नहीं, फैमिली डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें तंग करें। हाँ जी, वेलकम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा जवाद फैमिली व्लॉग्स। और जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और रिश्तेदारों की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सड़न तो अलावा कोई और भी काम कर लिया करो। खैर जी, छोड़ो, आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। आज है जी संडे। अली की कॉल आई थी कि रेडी शेडी होके बैठ जाओ, कहीं लेके जाऊंगा। अब देखते हैं, अगर वो टाइम से आगे तो कहीं निकल जाएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे? बच्चों को लेंगे और कहीं खाना शाना खा के आ जाएंगे। देखते हैं कि अभी हम लोग कहाँ जाते हैं। हमारे साथ ही बने रहिएगा और ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। और आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करें और मुझे व्यूज भी नहीं अच्छे दे रहे। भाई, वॉच टाइम पूरा करवाएं बहन का, सिर्फ 2 माह का टारगेट रह गया। कितनी दफा बताऊं, 2 माह का टारगेट रह गया, जल्दी करें। और अब आगे से रमजान भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह रमजान में भी आपके साथ अच्छी अच्छी और जल्दी जल्दी क्विक रेसिपीज जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। रमजान की भी एक सीरीज करेंगे, उसके बाद ईद भी आ रही है, फिर वो भी आपके साथ ही बनाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा करते हैं भाई कि हम लोग अली के आने तक बच्चों को बना के खिला देते हैं चीनी वाली रोटी, यानी कि चूरी। बच्चे मुझे कह रहे हैं मामा चूरी खानी है, चूरी खानी। मैंने कहा चलो आओ मियाँ मिट्ठू, चूरी खिलाते हैं। तो अली के आने तक बच्चों की चूरी जो है वो रेडी कर लेते हैं, इनको तब तक खिला पिला देते हैं और फिर देखते हैं कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है जी अली, ओके चले जी। और आपको पता है कि आपकी बहन के दांतों में कितनी दर्द है, ट्रीटमेंट चल रहा है आपकी बहन का। व्लॉग मैंने बनाया नहीं, मैंने कहा ये व्लॉग बनाऊंगी, लोग कहेंगे पता नहीं रेटिंग के लिए व्लॉग बना रही है। लेकिन भाई बड़ी दर्द हो रही है दांत में, आज 3 दिन हो गए हैं जनाब के दांतों के दर्द से, बहुत बुरा हाल है। लेकिन क्या करें, अभी भी जिंदगी के साथ साथ ही है जी, तो बातें थोड़ी कम कर लेते हैं, बच्चों की चोरी से भी बना लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बहन के लिए खास दुआ करनी, क्योंकि दांतों में बहुत ज्यादा पेन है, फिलिंग होनी है मेरी और एक कवर भी लगना है, तो बहन के लिए खास दुआ करनी है। ठीक है जी, चूरी बना जन्ना, चूरी हमारी तैयार है, अभी ऊपर चलते हैं और बच्चों को खिलाते हैं और इनके एक्सप्रेशन भी जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। चूरी खानी है? खा गए। क्या खा के आए हो? चूरी नहीं खानी? शुक्रिया शुक्रिया। मेरी जाना, वो एक प्लेट भी आप ही लेके चल, आओ मैं आती हूँ। आप ले आए ना, आप इसको पूरा सर्व करके लाए। चले यार, ये बच्चों को मैं खिलाती हूँ और मुझे खिलाए ये बच्चों के अब्बा। चले आइए आइए, अब तो इसके बाद आप पे बड़ी तनकीद होने वाली हो गई होगी, जब ये ब्लॉग लोग देखेंगे तनकीद करेंगे। हैं कि नहीं करेंगे? क्या तनकीद, खाना लेके आओ यार, खा लो। तनकीद क्या करते हैं? करेंगे करेंगे, बीवी काम करवाती है फिर ब्लॉग में भी दिखाती है। चलो यार, हम खा गए, आपको मिलते हैं। कुछ यूं जी के समोसा खाने के बाद और उसके बाद बच्चों को चूरी शुरी खिलाने के बाद मुझे अली ने कहा कि चलो चलते हैं कहीं खाना खाने के लिए, तकरीबन आधे घंटे के बाद। लेकिन मैंने अली को कहा कि भाई नहीं, मेरे दांत में बहुत ज्यादा पेन हो रही है, बाहर जाके क्या करेंगे, खाना कैसे खाएंगे, मुझसे तो खाना खाया नहीं जाएगा। लिहाजा जनाब, आज का प्रोग्राम करें कैंसिल, कर मेरे जो दांत है वो ओके हो जाएंगे, फिर हम लोग 1-2 दिन तक रमजान से पहले पहले बाहर डिनर करने कहीं चले जाएंगे, वो भी मेरी फेवरेट प्लेस पे। तो मैंने कर दिया जी कैंसिल, क्योंकि प्रोग्राम मेरा हो गया खत्म। अभी मैं अपने लिए चाय का कप बना रही हूँ, साथ मैंने उसके ब्रेड जो है वो खाने, और अभी मेडिसिन खा के खुद भी सो जाऊंगी और बच्चों को भी सुला दूंगी, क्योंकि सुबह मंडे है। और शायद मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि मैंने अपने दोनों बच्चों के एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह करवा दिया है, और उन लोगों ने 11 मार्च से, यानी कि पहला रोजा होगा और बच्चों का पहला दिन स्कूल का होगा, उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट कर देना है। तो मैं जरा आजकल उनकी रूटीन वगैरह सेट कर रही हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 11:30, बच्चों को सुला देते हैं, खुद चाय पी लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, साथ मेडिसिन लेते हैं और थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। अली को मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करो, खुद ही जाकर खाना वाना अपने लिए ले आओ, मैं तो नहीं खाने वाली, क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी, संडे था, तो मैंने भी घर पे खाना शाना नहीं बनाया हुआ था। लिहाजा चलते हैं ऊपर, चाय शाय पी लेते हैं और अपने इसी ब्लॉग को मेरे ख्याल से कल कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि कल मैंने कहा थोड़ी बहुत शॉपिंग करने भी जाना है, नहीं गई तो डेली रूटीन के साथ ही कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ ही बने रहिएगा, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है जी, तब तक हमारा इंतजार करें। और यार एक बात तो मैं आप लोगों से पूछना भूली, बहन ने नया फ्रेम बनवाया, बताएं कैसा लग रहा है? जिन लोग जो लोग तो मुझे जानते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको तो पता है कि अपन को माइग्रेन की बीमारी है, यानी कि माइग्रेन पेशेंट हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह से, बड़ी फख्र की बात है। तो उसकी वजह से मेरी आईसाइट थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा वीक है, और अब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था पुराने वाली ग्लासेस में, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे मेरी आईसाइट ज्यादा वीक हो गई है,
और ये जो मेरे ग्लासेस हैं ये पुराने हो चुके हैं। फिर मैंने क्या करा कि मैंने जैसे डेंटिस्ट पे गई, उसके सामने बिल्कुल ग्लासेस वाला था, वो अली के दोस्त थे अल्लाह की तरफ से, वहां पर गई जाके दोबारा नजर चेक कर, मैंने कहा मैडम मुबारक हो, दो पॉइंट और बढ़ गए। मैंने कहा ओके जी खैर मुबारक बना दे। तो वहां से बहन ने फ्रेम बनवाया और मैंने आज से अहद किया है कि अगर मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी तो मैं ग्लासेस लगा के बनाऊंगी। पता नहीं कैसी आ रही कैसी नहीं आ रही, बहरहाल अब आपको आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि आपको ज्यादातर मैं ग्लासेस के साथ ही नजर आऊंगी। मैंने फिर आपको कहा कि कल हम अपने ब्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा कल तक, ठीक है, ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू उसी ब्लॉग में आप सबका। तो जी आज का प्रोग्राम ये था कि मैंने जाना था मार्केट, लेकिन फिर आपके बहन के दांत के दर्द स्टिल है जो कि उसको उठने नहीं दे रही है, इसीलिए मैंने कहा कि छड्डो जी की करना मार्केट जाके, एक दो दिन पहले चले जावांगे रमजान, तो फिलहाल थोड़े बहुत काम जुड़े थे वो मुका लेने हैं, ठीक है जी। काम कौन कौन से थे, बच्चों को करना था रेडी, और ये देखे बच्चे हो गए रेडी, और ये हुरैन ने अपना ही मेला लगाया हुआ। हुरैन क्या बना रही हो? अच्छा जी श्याम आप क्या कर रहे हो? हमने भी चाय पी ली। अच्छा 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 खेल रहे हो। श्याम साहब का जरा वॉच टाइम कम करवाया और मैंने मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने कहा ये थोड़ा कम कर ले, बहन को बोला कि भाई इसको खिला, साथ बच्चों को रेडी शेडी कर दिया, ठीक है अभी क्या काम करना है कि अभी सिर्फ मैंने खाना बनाना है और सीधा अपने डेंटिस्ट के पास चले जाना है, तो मेरे साथ ही रहेगा, खाना शाना बना लेते हैं फिर चलते हैं डेंटिस्ट के पास। ले जनाब बहन आपकी आ गई है नीचे, और नीचे आते ही आपकी बहन को जो सब्जी नजर आई है वो है जी आलू गोभी की। अली ने कहा कि भाई आज मेरी फेवरेट सब्जी बना दो जो कि है आलू गोभी, क्योंकि मटन और चिकन खा खा के वो थक गए हैं और मैं भी थक गई हूँ पर्सनली तौर पर। अभी मैंने क्रोन लगवाने भी जाना है जो मेरे दांत बन के आए हैं, देखते हैं कॉल करते हैं डॉक्टर को पता करते हैं, अगर तो दांत बन के आ गए हुए तो लग जाएंगे, नहीं आए तो फिर मुझे इसी दर्द के साथ जीना पड़ेगा एक और दिन के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही ऑलरेडी दो दिन लेट कर दिया है। दर्द बहुत ज्यादा है, पता नहीं कैसे बोल रही हूँ, हाँ ये मुझे भी नहीं पता। और दूसरा दुख मैं आप लोग साथ अपना शेयर करूँ तो ऐनक लगा के ब्लॉग बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल है इस मास्क के साथ, लेकिन क्या करें काम है, इस मास्क को तो मैं उतार नहीं सकती फिलहाल, लेकिन जब भी फेस रिवील किया तो फेस रिवील करने से तीन दिन पहले मैं आपको लाजमी बताऊंगी, फिलहाल मेरा कोई भी मूड नहीं है फेस रिवील करने का, ठीक है जी। मैं उन सबको बता दूं जो मुझे कहते हैं फेस रिवील करते फेस रिवील करते फेस रिवील करते, तो अभी आपकी बहन का कोई भी चांस नहीं है फेस रिवील करने का। और यार जाते जाते एक बात भी बता दो, वो कौन से ब्लॉगर हैं जो इतना अपने आप को सेटमेट करके ब्लॉग बनाने आते हैं, मेरे तो बाल ही नहीं ठीक होते भाई, हाय बड़ा दुख है मुझे ये। ये बाबूराव का स्टाइल है तू ले। और यहाँ पे आगे मुझे देगी कॉल के जी सारा, अब तुमने उसको आलू में क्या बनाना है, तुम मटन में बना लो क्योंकि मटन में ही अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो मटन खाना नहीं और आपके लिए इतना मटन काफी होगा, तो मैंने क्या किया कि जी अब इसमें प्याज टमाटर ऐड कर दिए, मटन भी ऐड कर दिए, इसमें अब सारे मसाले जाएंगे और इसको हम कर देंगे बंद और प्रेशर लगा देंगे 10 मिनट का, जब गोश्त गल जाएगा मसाला गल जाएगा तो उसको हम लेंगे भून और उसके बाद ऐड कर देंगे अपनी वो क्या नाम है उसका जो भी आई थी गोभी, गोभी ऐड कर देंगे और उसके बाद हमारा खाना टेंटर एंड रेडी हो जाएगा। तो मैंने कहा इतनी रेसिपी बताने का क्या फायदा, वैसे ही आपको बता दूं। और ये आगे जी मेरी सलाद की प्लेट, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश सलाद मेरा रेडी है। वो आगे जी मेरी हरी चटनी जो कि टमाटर और हरे धनिया और सब्ज़ मिर्च से बनती है, उसकी भी रेसिपी आपके साथ रमजान में जरूर शेयर करूंगी। तो अभी जरा थोड़ा सा टाइम दे इनको ओके शोके करके, फिर आपकी बहन आपको ये ब्लॉगिंग ना किसी ने मुझे बहुत बुरा कुछ ना कुछ करवाएगी, मुझे यकीन हो रहा है इस चीज़ पे। आप लोगों की ब्लॉगिंग के चक्कर में मैं दिखाऊं मेरे साथ क्या होगा, अच्छी खासी चटनी बना ली थी एकदम से मेरा बेटे नीचे गिरा और सारी की सारी चटनी कड़ा, सारी तो नहीं आधी दिखाती ये देखो, हाय हाय यार क्या करें, बाकी की तो रेडी है चले है बैठे बैठे एवं काम बढ़ गया, मुझे ये भी सारा क्लीन करना पड़ेगा जबकि पहले से ही क्लीन था यार, दोबारा क्लीन करना पड़ेगा है। चलो यार क्लीन शीन करते हैं, खाने शाने की फाइनल लुक दिखाते हैं और फिर मिलते हैं क्लिनिक पे जाके, 10 मिनट दें डिस्टर्ब हो गया मैं बहुत ज्यादा। खाना बन गया अल्हम्दुलिल्लाह और अली भी आ गए हैं मुझे लेने के लिए, कहाँ हो अली आप, ये हम जा रहे हैं फाइनली आपके डेंटिस्ट पे क्योंकि आज आपके टीथ फिक्स्ड है और माशाल्लाह से आपको सोने के दांत लगवा रहे हैं। जी 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 सोने के दांत, सुन रहे सोने के दांत जेड़े लगने ही नहीं, गोल्ड टीथ, गोल्ड टीथ लगा रहे हैं आपको। अच्छा और उसके बाद आपने उसके साथ हीरे जवाहरात चबाने, पता है हीरा लगे ना या हीरा इंसान खा ले तो मर जाता है, ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, रिश्तेदारों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो जी अब क्लिनिक पे जाके आपको मिलते हैं, बच्चे भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। चलो ये आगे जी हमारे पंजाब डेंटल क्लिनिक, ये असल में ना हमारे फैमिली डॉक्टर हैं इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है अंदर चलते हैं, चलो से आप चलें यार अंदर।
चलते हैं और जाके अपने दांतों का कुछ ना कुछ तो करवाना है हमने करवा के। शाम में मुझे हमेशा तंग ही करना है। चल बेटा ग्लासेस में इसलिए नहीं लगवा के क्योंकि डॉक्टर ने मेरा किया था ग्लासेस नहीं लगवा के ना। ओके चलते हैं। ये मेरे डॉक्टर साहब हैं जो मेरे दांतों का मसला हल करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। ये मैं आपका यूट्यूब पे चैनल है मेरा, उस पर दिखाऊंगी मैं। ये इनका क्लिनिक है। सबसे अच्छी बात ये कि हाइजीनिक बहुत ज्यादा है, गंदा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारा कुछ दिखाओ, दिखाएं। ये देखें जी, ये बहुत ज्यादा अच्छे और साफ सुथरे तरीके से काम करते हैं, इसीलिए मैं दो तीन जगह पे घूम के लेकिन यहाँ पे वापस आ गई। आपकी टाइमिंग क्या है क्लिनिक की? 6 बजे से 10 बजे रात। अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। 0300-440-1185। अगर आप मेरा नाम लेंगे तो ये आपको डिस्काउंट भी करेंगे। कर देंगे? कर देंगे। चलें ठीक है, अपना काम करवा लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। दांत भी दिखा दें जो बन के आए हैं। अच्छा, नहीं, फैमिली डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें तंग करें। हाँ जी, ये दो नहीं खराब थे और ये ओके ठीक हो गया। चलिए लगवा लेते हैं फिर मिलते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैंने सोचा है जो खुला मुजरा ये जो दांत है इसका जी ये हमने इसको हमने बाहर लेकर आना है। जी ठीक हो गया, सिंगल क्राउन के साथ हमने इसको जिसके बराबर इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बंद कीजिए फिर हम। और जनाब यहाँ पर जो कवर बने थे वो लग चुके हैं और मुझसे बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। इसके भी आधे घंटे बाद तक मैं नहीं बोली थी, पता नहीं कैसे चुप रही है। जो पीछे स्क्रीन पे आप दांत देख रहे हैं वो मेरे नहीं थे। ले जनाब बहन आपकी आ चुकी है घर, जो काम था वो करवा के क्राउन श्राउन लग गए, एक रह गया वो कल लग जाएगा। बेशक के अल्लाह की बनाई हुई चीज का कोई नियम बदल नहीं है। इस वाली साइड से और इस वाली साइड में थोड़ा सा फर्क आ गया क्योंकि ये ओरिजिनल है और ये जरा रेप्लिका है इस वजह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पेन बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे। और नॉन सब्सक्राइबर 95% है भाई, आप लोगों ने ब्लॉग देखना अभी तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करना? कहीं आप लोग मेरे रिश्तेदार तो नहीं है तो सिर्फ मेरे पे नजर रखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते? सब्सक्राइब करें, 2 माह रह गए हैं वरना बहन का वॉच टाइम पूरे का पूरा बर्बाद हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, मौला के ईमान में। कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। या अली वारिस, अल्लाह हाफिज़।